नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में लेजर क्रिएट करते हैं तो हम लेजर का नाम प्रॉपर सही तरीके से लिख देते हैं, देन उसका लिस्ट ऑफ ग्रुप में से हम उसका ग्रुप का सिलेक्शन कर देते हैं और उसके बाद हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है स्टेशनरी डिटेल में इज GST एप्लीकेबल, और उसके बाद हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल या फिर अनडिफाइंडेड। तो दोस्तों, आखिरकार हमें कौन से लेजर के ऊपर GST को एप्लीकेबल रखना होता है, कौन से लेजर पर नॉट एप्लीकेबल होता है। अगर किसी लेजर के ऊपर हमने एप्लीकेबल कर दिया तो उसके बाद हमारे से एक ऑप्शन और पूछा जाता है टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स या फिर सर्विस। तो हमें कौन से लेजर पर गुड्स रखना होता है और कौन से लेजर पर हमें सर्विस को एप्लीकेबल करना होता है। तो दोस्तों, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाले हैं कि जब भी हम टैली सॉफ्टवेयर में लेजर हम क्रिएट करते हैं, अगर कोई ऐसा लेजर है जिसके ऊपर हमें GST को एप्लीकेबल रखना था लेकिन गलती से हमने नॉट एप्लीकेबल कर दिया तो इसका इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा। अगर कोई ऐसा लेजर जो हमारा नॉट एप्लीकेबल था और गलती से हमने उसको एप्लीकेबल कर दिया तो इसका इफेक्ट हमें हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे यानी कि टैक्सेशन रिपोर्ट्स पे, GST रिपोर्ट्स पर हमें कहाँ देखने को मिलेगा। हमें कैसे पता चलेगा भी इस लेजर के ऊपर तो GST को एप्लीकेबल रखना चाहिए था और इस लेजर पर GST को नॉट एप्लीकेबल रखना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों, ये अक्सर जो कन्फ्यूजन है वो फ्रेशर अकाउंटेंट के दिमाग में होती है, क्योंकि जब भी फ्रेशर अकाउंटेंट पहली बार किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है वहाँ पर इंटरव्यू के दौरान उससे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी आप हमें ये लेजर क्रिएट करके बताओ, तो वो लेजर का नाम प्रॉपर सही तरीके से लिख देता है, ग्रुप का सिलेक्शन भी सही तरीके से कर देता है, लेकिन यहाँ पर आके थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है। लेकिन फिर भी वो जल्दबाजी के अंदर GST को एप्लीकेबल रखते हुए इस जो लेजर है इसको एक्सेप्ट कर देता है यानी कि सेव कर देता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सारी बातें ये प्रैक्टिकली तरीके से सीखने वाले हैं। तो अगर आप भी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के यूजर हो या आप किसी इंस्टीट्यूट से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का कोई कोर्स सीख रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते हुए ऑल पर भी जरूर क्लिक कर लें। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक देके भी जरूर जाना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब हम टैली सॉफ्टवेयर में लेजर क्रिएट करते हैं तो कौन से लेजर पर ये जो स्टेशनरी डिटेल में GST एप्लीकेबल का ऑप्शन है वो हमारे पास में एक्टिवेट होता है। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल हम कुछ एक लेजर क्रिएट करते हैं तो टैली सॉफ्टवेयर में लेजर क्रिएट करने के लिए हम गेटवे टैली पर जाते हैं, देन हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं और लेजर पर क्लिक करते हैं। और उसके बाद में मान लीजिए हमने किसी कस्टमर का एक नाम यहाँ पे लिखा, मदन का नाम लिखा, तो ये हमारा कस्टमर है तो हम इसको रखते हैं सेंडरी डेप्टर्स में। तो जैसे ही हमने सेंडरी डेप्टर्स ग्रुप का सिलेक्शन किया तो आपने देखा यहाँ से GST एप्लीकेबल का जो ऑप्शन है वो यहाँ से हट चुका है। या फिर अगर हम कोई सेंडरी क्रेडिटर का अगर लेजर क्रिएट करते हैं तब भी हमारे पास GST एप्लीकेबल का ऑप्शन नहीं आता। तो दोस्तों, ये GST एप्लीकेबल का ऑप्शन आपके पास कब आएगा, या तो आप कोई खर्चे के लेजर क्रिएट कर रहे हो या कोई इनकम के लेजर क्रिएट कर रहे हो या फिर आप अपनी बुक्स के ट्रेडिंग लेजर हम क्रिएट करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब परचेज सेल के, जैसा कि हमने परचेज को लेजर का नाम लिखा, ग्रुप सिलेक्शन किया परचेज, तो जैसे हमने परचेज को सिलेक्ट किया तो आप देखो यहाँ पे स्टेशनरी डिटेल में GST वाला ऑप्शन है जो एक्टिवेट हो गया। अब इसको एप्लीकेबल करना है नॉट एप्लीकेबल करना है वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। या फिर कोई भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर इनडायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम में रखते हैं देन हमारे पास ये स्टेशनरी डिटेल में GST एप्लीकेबल का ऑप्शन है जो एक्टिवेट हो जाता है। तो दोस्तों, अब कोई भी हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं उससे पहले हमने एक परचेज और एक सेल की ट्रांजेक्शन कर रखी है, उसको एक बार हम देख लेते हैं। डेक बुक पर जाएंगे और पूरे साल की ट्रांजेक्शन हमने ओपन कर ली तो आप देख रहे हो एक हमारे पास परचेज का वाउचर है और एक सेल का वाउचर है, और इसको हम एक बार GST की रिपोर्ट को देखते हैं और उसके बाद हम कुछ लेजर क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर हम एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल करके देखेंगे और उसका इफेक्ट हम बाद में देखेंगे भी कैसे पता चलेगा भी इस लेजर पर हमें तो नॉट एप्लीकेबल करना था और इस लेजर पे एप्लीकेबल करना था। तो इसके लिए दोस्तों, हम चलते हैं एक बार GST रिपोर्ट्स पर। डिस्प्ले पर हम जाएंगे, GST रिपोर्ट पर जाएंगे और GST R3B को ओपन करेंगे और पूरा पीरियड के साथ GST को ओपन कर लेंगे तो हमारे पास एक ही जो लेजर था उसकी डिटेल हमारे पास आ गई सेल की, और हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन यानी कि जो एरर का अगर कोई भी होता है तो यहाँ पर आपके पास 1, 2, 3 का ऑप्शन आ जाता है।
तो अभी ये फिलहाल जीरो है, तो इसका मतलब हमारी बुक्स में कोई भी एरर अभी नहीं है। तो दोस्तों अब हम एक लेजर क्रिएट करते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से, जो कि हमारा एक रूटीन का खर्चा है। एक्सपेंसेस के नाम से हमने एक लेजर क्रिएट कर लिया और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो दोस्तों अब मान लीजिए हमने इसको एप्लीकेबल रख दिया, हमें नहीं पता था और यहाँ पर भी हमें नहीं पता भी इसको गुड्स में रखना है या सर्विस में रखना है, इसको भी जैसा था एजीटी हमने इस वाउचर को सेव कर दिया। और उसके बाद में हम वाउचर पर जाते हैं और एक पेमेंट की एंट्री हम करके देखते हैं, जो अभी हमने एक लेजर क्रिएट किया था ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से। अब इसके ऊपर मान लीजिए हमने 100 रुपीज़ दे दिए और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया और वाउचर को एक्सेप्ट करते हुए पास कर दिया। अब एक बार हम वापस जीएसटी रिपोर्ट को देखते हैं, डिस्प्ले पर जाएंगे, उसके बाद स्टेटसडी रिपोर्ट पर जाएंगे, जीएसटी अथॉरिटी को ओपन करेंगे और पूरा पीरियड ओपन कर लेंगे। तो अभी आप देख रहे हो, अभी जो हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा था जीरो को, अब वहाँ पर एक आ चुका है। अब इस एक के ऊपर वन पे आके अगर हम क्लिक एंटर प्रेस करेंगे तो आपसे एक एरर जो आपके पास है उसकी रिलेटेड आपके पास आ जाएगी, टैक्स रेट टैक्स टाइप नोट स्पेसिफाइड। तो इसका मतलब आपने कोई भी एक लेजर ऐसा किया उसके ऊपर आपने टैक्स रेट है या फिर टैक्स जो टाइप है उसको स्पेशल स्पेसिफाई नहीं किया है। एंटर प्रेस करेंगे तो वही ऑफिस एक्सपेंसेस का जो डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। अब नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको पता होना चाहिए क्या देना है, आपकी ये परचेज की एंट्री ये मान रहा है तो ये परचेज टैक्सेबल है, टैक्स फ्री है, किस टाइप की है। अब क्यों एरर आ रहा है जबकि हमने इस लेजर के ऊपर कोई भी जीएसटी का ट्रीटमेंट नहीं किया। तो एक बार उसी वाउचर एंट्री को वापस ओपन करते हैं। ये एंट्री सिंपल एंट्री थी, ऑफिस एक्सपेंसेस को हमने डेबिट किया और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। तो हमने न तो कोई सीजीएसटी यूज किया, न कोई एसजीटी टैक्स यूज किया और न ही आईजीएसटी टैक्स को यूज किया। तो इसका मतलब जिस लेजर के ऊपर हम कोई भी जीएसटी का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं उस लेजर पर हमें जीएसटी को नोट एप्लीकेबल रखना होता है। तो वापस हम एल्टर पे चलते हैं, उस लेजर को मॉडिफाई करके देखते हैं जो अभी हमने ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से बनाया था, और इस लेजर को हम एप्लीकेबल की जगह नोट एप्लीकेबल कर देते हैं और इंटरफेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब एक बार हम जीएसटी के रिटर्न को देखते हैं, डिस्प्ले पर जाएंगे, जीएसटी अथॉरिटी भी को ओपन करेंगे। तो अभी आप देख रहे हो अभी हमारे पास जो यहाँ पर जीरो आ रहा था वो वन आ रहा था, अब वो जीरो हो चुका है। हमने कोई ट्रांजेक्शन को डिलीट नहीं किया, ट्रांजेक्शन अभी भी हमारे पास पेमेंट की है वो ऑफिस एक्सपेंसेस की, बट इफेक्ट यही आया था अभी तक हमने इस लेजर के ऊपर जीएसटी को एप्लीकेबल कर रखा था जबकि ये नोट एप्लीकेबल में आना चाहिए था। अब उसके बाद में एक लेजर हम सेल का और क्रिएट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास जीएसटी 12% का कोई प्रोडक्ट है और उसको हम सेल करते हैं, तो वाउचर पे हम चलते हैं, वाउचर का नंबर हम दे देते हैं 2, यहाँ पे डेट हम चेंज कर देते हैं और मान लीजिए हमने कैश में लेजर को कर दिया और उसके बाद में मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और इसका जीएसटी रेट वगैरह हम यहाँ पर दे देते हैं और इसको टैक्सेबल रखते हुए हम इसको एक बार फॉर एग्जांपल 12% रख देते हैं और यहाँ पर क्वांटिटी हमने सेल कर दी 100 रुपीज़ की और यहाँ पर हमने जीएसटी 12% एक सेल का लेज़र हमने क्रिएट कर दिया सेल, और अंडर ग्रुप में इसको सेल रखते हुए अब मान लीजिए इसको एप्लीकेबल करना है लेकिन गलती से आपने इसको नोट एप्लीकेबल कर दिया। इंटरफेस करेंगे, वाउचर पे जाएंगे, सी जी एस टी टैक्स और एस जी एस टी टैक्स करेंगे। तो अभी आप देख रहे हो जैसे हमने सी जी एस टी टैक्स और एस जी एस टी टैक्स को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर इसके ऊपर टैक्स है जो नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वहाँ पर आपने इस लेजर को जो टैक्स की डिटेल है उसको आपने नोट एप्लीकेबल कर दिया। अब मान जैसे भी इसको इंटरफेस करते हम सेव करेंगे तो अब वापस हम जीएसटी 3B को देखते हैं, जीएसटी 3B। तो आप देख रहे हो अभी भी एरर हमारे पास है जो जीरो ही आ रही है क्योंकि उस लेजर के ऊपर हमारा टैक्स तो एप्लीकेबल हुआ ही नहीं है। और वापस इस लेजर को जाके हम अभी हमने जो 12% का जो लेजर क्रिएट किया है और इसको हम कर देते हैं यहाँ से एप्लीकेबल वापस, और अब इसको डिटेल बात करेंगे भी सप्लाई ऑफ टाइप के अंदर हमें क्या रखना है, गुड्स या सर्विस। तो दोस्तों ये हमारी सर्विस से रिलेटेड हमने कोई लेजर नहीं क्रिएट किया, हमने कंपनी के प्रोडक्ट है जो सेल किया यानी कि गुड्स सेल किया है, कोई सर्विस सेल हमने नहीं करी तो इसलिए हम इसको सर्विस के बजाय गुड्स रखेंगे। अगर हम कोई सर्विस सेल कर रहे होते हैं देन हमें यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस को सेलेक्ट करना होता है, गुड्स को रखेंगे, इंटरप्रेस करते एक्सेप्ट करेंगे। अब वापस उस लेजर को हम ओपन करेंगे, ये हमारे पास लेजर था और ये 12% का लेजर सेम वही है। अब इसको वापस हमने
जो एक्टिवेट कर दिया इसके ऊपर, और अब यहाँ पर हमें सेल टैक्सेबल देना पड़ेगा, और अब यहाँ पर हम सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हो ये जो टैक्स की अमाउंट है यहाँ पर कैलकुलेट हो चुकी है। इंटरप्रेस करते हुए इस वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी GST 3B की जो रिपोर्ट है उसके अंदर हमारी जो सेल की ट्रांजेक्शन है वो भी अब इंक्रीज हो चुकी है 1010 के साथ, और यहाँ पर एरर है वो भी नील है। तो इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमने कोई इनडायरेक्ट इनकम का कोई लेज़र क्रिएट कर लिया, लेज़र पे चलते हैं, मान लीजिए हमने कोई इंटरेस्ट का बना लिया लेज़र, इंटरेस्ट रिसीव्ड का, तो ये हमारी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट इनकम होगी। अब मान लीजिए अब इसके ऊपर भी आपने गलती से GST को एप्लीकेबल रख दिया और आपने इसको एक्सेप्ट करते हुए, अब जैसे हमारे पास मान लीजिए केस के रूप में हमने कोई इंटरेस्ट रिसीव किया है 100 रुपीज़, एंट्री को पास कर दिया। अब हम एक बार GST रिपोर्ट में वापस चलते हैं, 3B पे चलते हैं, देन आपके सामने भी आप देख रहे हो एरर A1 आ चुकी है। अब एरर वन क्या है इसके ऊपर जाने के बाद ही पता चलेगा, इंटरप्रेस करेंगे देन सेम वही ऑप्शन आपके पास आ रहा है, टैक्स रेट या फिर टैक्स टाइप ने आपने स्पेशल इसको स्पेसिफाई नहीं किया है कौन सा लेजर है, तो सेम अभी आपके सामने वो इंटरेस्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर यहाँ से अगर आप इसको अनडिफाइंडेड कर देते हो और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर देते हो तब भी आपकी जो एरर है वो बनी रहेगी, तो इसलिए हमें बेटर रहेगा जब हमने लेजर क्रिएट किया था इसको मॉडिफाई कर लेते हैं इंटरेस्ट के लेजर को, और उसके बाद में इसको नोट एप्लीकेबल कर देंगे। तो जैसे हम नोट एप्लीकेबल करेंगे क्योंकि इस लेजर पर भी हमने कोई GST से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट नहीं किया तो इसको हमें नोट एप्लीकेबल रखना होता है, और उसके बाद अब हमारी जो एरर है वो यहाँ से 1 की जगह वापस 0 हो चुकी है, तो ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया भी जिस जिस लेज़र के ऊपर हमें GST का ट्रीटमेंट करना है, चाहे वो आपको वो परचेज लेज़र हो, चाहे वो सेल लेज़र हो, चाहे आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है यानी कि आप उस खर्चे के ऊपर भी GST चार्ज करते हो, तब आपको GST को एप्लीकेबल रखना होता है, अदरवाइज आप इसको नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। तो हमें ये सारी डिटेल्स है वो GST की रिपोर्ट्स में हमें पता चल जाती है भी इस लेज़र पर आपने GST को एप्लीकेबल किया है तो उसका प्रॉपर आप टैक्स का ट्रीटमेंट भी साथ करो। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला है, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।